नसरुल्लाह के कातिलों को गिरफ्तार करो, नसरुल्लाह के कातिलों को गिरफ्तार करो, नसरुल्लाह गदानी के कातिलों को गिरफ्तार करो, नसरुल्लाह गदानी के कातिलों। चूंकि नाम नहीं बता सकते। ठीक है, अरेस्ट किए हैं आप? कितने कितने लोग सर अरेस्ट हुए हैं सर? कितने बेटा? 173 मिस्टर अब्दुल बासित। कितने? मिशन नंबर 173 तीन है, तीन अरेस्ट हुए हैं। लेकिन जियो फेंसिंग हुई है, लीड मिल गई है, लोग जिनसे लीड मिली है वो अरेस्ट हैं, कल पर तक पहुंच गए, आपको अश्योरेंस है। आप इतना अर्थ लगेगा समझते हैं कि ये हो सकेगा, क्योंकि इसी तरह का जानमाल मदर का कई महीने हो गए, उसमें भी लीड आठवा हो गया। जानमाल मदर का तो क्लियर बात है ना कि फला आदमी ने मारा है, इसका अभी तक पता तो चले कि मारा किसने, ये तो तयन कर ले। और मोटिव क्या था, मोटिव क्या है इसका, क्या मामला है, सब चीजें आपके सामने डिस्कस। ठीक है सर, आप हमें सर ये बता दें कि हमें दे दें कि भी दो दिन में, तीन दिन, चार दिन देना चाहे तो ठीक है, उस दिन तक सफर करेंगे जल्द अज जल्द, ज्यादा से ज्यादा 1 वीक। ये लीड एक हफ्ता सर, बाकी ये है कि जो चीजें होंगी आपके सामने एक हफ्ते में डिस्क्लोज कर देंगे। ठीक है, और उम्मीद है मुझे कि जवाबदार भी अरेस्ट। सर जानमामन के केस के हवाले से थोड़ा बता दें, जानमामन के केस के हवाले से कल भी डीआईजी सखर से प्रेस की काफी बात हुई थी, तो उसमें भी हम आपको यकीन दिला दें कि फिर बहुत जल्दी उनके भी कातिल हम अरेस्ट करेंगे या कैफरे किरदार तक पहुंचे। तो जब इतना आपको पता चल जाता है कि भाई इस बंदे ने कत्ल किया है, एक साफी है, हम लोग एहतजाज कर रहे होते हैं, 6-6, 7-7 महीने गुजर जाते हैं बस एहतजाज पे, आप तहफ़ भी हमें नहीं दे पा रहे, मतलब साफियों को भी तहफ़ नहीं है, तो आवाम का क्या हाल हो रहा होगा जब साफियों के साथ ये हो रहा है? देखिए हम कोशिश यही होती है कि आप लोग शर्जी साहब आ जाए, आगे आ जाए शर्जी साहब। देखिए सिंध गवर्नमेंट ने उसके मेडिकल के लिए आगा खान में इंतजाम किए, और ये सोए हुए नहीं है, इस पर काम हो रहा है और इंशाल्लाह इनके जवाबदार आपको। अच्छा ज्यादा सर एप्रिसिएशन हमने सबसे ज्यादा किया जब सिंध हुकूमत ने शर्जी साहब ने हमें बता दिया था क्या कर रहे हैं, हमने जबरदस्त एप्रिसिएशन किया, लेकिन अब चूंकि वो हमें नहीं रहा, ठीक है, लेकिन अब ये मुतालबा हमने ये हो गया है कि भाई किसी न किसी तरीके से उनके कातिलों को गिरफ्तार करें। और दूसरी बात जो है ना हमारे शर्जी साहब ने की थी कि कंपनसेशन के हवाले से नौकरी का ऐलान करें। भाई आज भी मेरी लाला असद पठान साहब से बात हुई है, ठीक है, और उनसे हमने यकीन दिया नहीं कराई है कि आप मैं उनको कहा कि आप हमारे से ऐलान कर दें, क्योंकि पूरी फैमिली को काफ़ी जो है जो भी कंपनसेशन होगी, बेहतर कंपनसेशन होगी, वो हुकूमत सही करेगी। अच्छा सर ये हम ऑलरेडी इसको ऐलान कर चुके हैं, गैर मौजूदगी में होम मिनिस्टर साहब ने कमिटमेंट किया है कि एक हफ्ते के अंदर कातिल गिरफ्तार किए जाएंगे, आप चूंकि बाद में आए थे तो ये बात लीड मिल जाएगी, कातिल हम पहुंचे पहले लीड करके आपको बता देंगे, बताएंगे पोजीशन ये हमें लीड अभी जो लीड मिली है अभी डिस्क्लोज नहीं कर रहे आपको। ओके सर, एक हफ्ते के अंदर अंदर ये केस की वो डिस्क्लोज करके आपको बताएंगे कि ये मुहरकात है, ये मामला हो सकता है यकीन हो सकता है 24 घंटे में गिरफ्तार हो जाए। अच्छा कातिल गिरफ्तार इंशाल्लाह पुलिस का काम है, ये और क्या होगा काम, लेकिन आपको एक हफ्ते के अंदर अंदर इसके पूरे केस की आपको डिस्क्लोज करेंगे।